हेलो, हाय अमन, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपका नाम कहाँ मेरा नाम रिनालिनी है। से हैं आप? मैं हूं तो इंडिया से, बट इस वक्त मैं फ्रांस में हूँ। मतलब पिछले 8 सालों से आई हैव बीन इन फ्रांस। वाओ, आप सिडनास की फैन हैं? जी अमन, बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब मुझे वो दोनों इतने पसंद हैं। एक्चुअली मैं बिग बॉस नहीं देखती। मैंने उनको बिग बॉस 13 में नहीं देखा था, जिस समय द शो वॉज ऑन एयर। आई एक्चुअली स्टार्टेड वॉचिंग देम ओनली दिस मार्च। सो मार्च 2021 में मैंने उनको देखना शुरू किया। एक बार मैंने यूट्यूब पे रिकमेंडेशंस जो आते हैं उसमें एक क्लिप आई थी सिद्धार्थ और शहनाज की, जिसमें वो उनका वो पैसे वाला जो टास्क था ना, जिस वीक में जो फैमिली वीक था जिसमें सब लोग आए थे, तो उसकी वो क्लिप करेक्ट थी करेक्ट। जो सिद्धार्थ एक साइड था, शहनाज एक साइड थी, एंड शहनाज इज रिक्वेस्टिंग सिद्धार्थ टू किस हर। और वो मुझे बहुत क्यूट लगा था। तो बहुत क्यूट मोमेंट है वो। सेना उसको खींच लेती है बाहर की तरफ। तो मैं दैट वाज माय फर्स्ट सिडनाज मोमेंट दैट एक्चुअली आई वॉच्ड। तो आप इमेजिन कर सकते हो इतना क्यूट मोमेंट जब कोई पहली बार देखे। तो देन आई वेंट बैक एंड आई वॉच्ड ऑल द वीडियोस एंड आई कंप्लीटेड द होल सीजन। अब तो मैंने 2 या 3 बार देख चुकी हूँ पूरा सीजन। तो वाह, यस, आप मार्च में 2021 जी इस सिडनास की साल। मनी वाला जो टास्क चल रहा था उसको देख के आप फैन बनी है फैमिली वीक के टाइम। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो और मैं इतना प्यारा क्लिप था, वो कोई फिर भी फैन बन जाएगा उसको देख करके। आप ये बताएं, आप फ्रांस में रहती हैं तो आपने जी फ्रांस में बिग बॉस 13 एपिसोड कैसे देखे? अरे मुझे बहुत अमन, मैंने बहुत पापड़ बेले उसके लिए यहाँ पे। तो पहले तो मैंने वीपीएन का एक्सेस लिया सो दैट आई कुड चेंज माय आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस चेंज करके, सो इफ यू आप सॉरी, मैं बार बार इंग्लिश बोलने लगती हूँ, आई एम यूज टू इट। तो मैंने वीपीएन का एक्सेस लिया, उससे ना आप आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हो अपने इंटरनेट का। तो करेक्ट। क्या आप जो तो मैं उसके थ्रू मैंने यूके का आईपी लिया, फिर इंडिया का आईपी लिया। और पहले मैं एमएक्स प्लेयर पे लॉग इन करके देखती थी, क्योंकि तब एमएक्स प्लेयर पे फ्रीली अवेलेबल था बिग बॉस 13 के पूरे एपिसोड्स। इनफैक्ट सारे सीजन्स अवेलेबल थे। बट अब मैं वूट पे देखती हूँ, तो अब तो मैंने सारे एपिसोड्स वूट पे भी देख लेती हूँ मैं आराम से यहाँ दैट्स से। अमेजिंग। अब बाय द वे बता दूं, फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में कोई जी सिडनास फ्रांस से जुड़ा है। अच्छा, ओके वाओ, okay. चलो, मैं किसी में तो फर्स्ट हूँ, बट नहीं, मुझे दोनों बहुत पसंद है। एंड एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना पिछले साल यूएस मूव कर गए थे और मैं अभी तक मूव नहीं कर पाई हूँ। तो जब भी मैं खाली होती थी ना, एक्चुअली इसी वजह से मैं यूट्यूब पे वीडियोस बहुत ज्यादा देखने लगी थी। फिर मैं खाली होती थी, फिर मैंने इनका देखना शुरू किया। तो अब तो मेरे हस्बैंड को भी पता है कि वेयर आई स्टैंड विद देम। मतलब उनको भी पता, वो तो सर पकड़ लेते हैं अपना कि तुम लोग पागल हो क्या। इतना पागल कोई ओ कैसे हो सकता है किसी के चलो पीछे। चलो, आप ये बताएं उसके जी बाद आपको मेरी लाइफ से कैसे जुड़ी, मेरी लाइफ का कैसे पता चला आपको? अमन, आपको मैं एक बात बता दूं, इंस्टाग्राम मैंने सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन किया है आपके आप जो यूट्यूब पे अपने लाइव्स पोस्ट करते थे ना, हाँ तो मैं शहनाज का कोई वीडियो देख रही थी और मैं देखते देखते, सैटरडे आफ्टरनून था, मैं देखते देखते सो गई। और मेरी बेटी ना प्ले कर, मतलब वो खेल रही थी खुद से, और मैं सो गई और सडनली वो ऑटो प्ले पे था तो आपका लाइव चलने लगा था जब मैं उठी थी। तो आई थिंक आई हर्ड मरियम जी, राधिका जी एंड कुलदीप, आई डोंट नो इफ कुलदीप वाज देयर, बट मरियम आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली दैट मरियम वाज देयर। और आप लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे तो मुझे इतना मजा आ रहा था सुन के। फिर मैंने ना आपके लाइव यूट्यूब पे सुनना शुरू किया, एंड देन आई
एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ. आई एक्चुअली इंस्टॉल्ड इंस्टाग्राम ऑन माई फोन ओनली टू हियर योर लाइव. अभी भी आप देखोगे ना तो मैं सिर्फ 3 लोगों को फॉलो करती हूँ, एक शहनाज, एक सिद्धार्थ और एक आपको. तो क्या बात कर रहे हैं आप, तो आपको यूट्यूब पे आप लाइव सुन के इंस्टा लाइव पे आप आएंगे राइट? जी एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम का कुछ पता नहीं था, मतलब मैं सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं यूज करती, तो मैंने इंस्टाग्राम यूज करना ही आपकी वजह से सीखा. आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, आप सिद्धनाथ को इतना ज्यादा प्यार करती हैं? मैं ना पूरे टाइम, अभी तो फिलहाल, अभी तो ना जब से 2 सितंबर के बाद स्पेशली, मतलब मैं ना हर चीज में, कोई भी सिचुएशन होती है ना, तो मैं सिद्धनाज, मतलब मैं शहनाज और सिद्धार्थ के बारे में बात करने लगती हूँ. कोई भी सिचुएशन चल रही हो तो वो सुन लेते हैं, बट वो ये बोलते हैं कि यार तुम लोग कितने पागल हो. और मैं उनको बताती हूँ कि इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा फैंडम है, और उनको पता है कि मतलब मैं इससे पहले कभी किसी की फैन नहीं रही हूँ, किसी भी मूवी स्टार या किसी की भी, बट ये दोनों मुझे इतना पसंद, इतने पसंद है, मतलब आई रियली कनेक्ट विद बोथ ऑफ देम. सच प्योर सोल्स दे आर. तो मतलब वो सपोर्ट तो क्या ही करेंगे, बट हाँ, ही लिसन्स टू व्हाट आई से. फिर आपने बिग बॉस 13 जब आपने वो क्लिप देखी, उसके बाद आपने जी. कितने दिनों में कंप्लीट कर डाला बिग बॉस ओ 13? अरे मैंने तो, मैं आपको बताऊं, सब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, बट मैंने ना अपने हस्बैंड को भी जब बताया था, उनको विश्वास नहीं हुआ था. मैंने विद इन 2 वीक्स सारे एपिसोड्स बिग बॉस 13 सीजन के निपटा लिए. और अमन आपको पता है उस समय ना, मैं जिस कंपनी में हूँ, इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली, द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वर्क फॉर. और आई वॉज लुकिंग टू मूव टू अ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द सेम, तो मैं इसी इसी कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट में मूव करने के लिए मैंने अप्लाई किया था. सो इट वॉज बेसिकली 2 स्टेप्स अहेड ऑफ मी. सो मेरे मेरी डबल प्रमोशन होती अगर मैं उसके लिए क्वालिफाई कर पाती. तो आप विश्वास नहीं करोगे, इन दोज 2 वीक्स मेरा इंटरव्यू भी था, बट तब भी जो है मैं पूरा बिग बॉस 13 का मैंने उन्हीं 2 हफ्तों में जो है निपटाया था. तो इट वॉज क्रेजी रियली. मतलब जब मैंने पहली क्लिप देखी, उसके बाद सेम डे आई थिंक मैंने 2-3 VMs देखे उनके, और उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 वीक्स में मैंने पूरा सीजन निपटा दिया. क्या बात कर रही हैं आप, आपने अपनी प्रमोशन को ना देखते सिर्फ आप बिग बॉस 13 देखना पसंद किया. गाइस हाँ आप लेकिन क्या मैं, मतलब सोचते हो, बट मैं, आपका मुझे नाम प्रमोशन बिल्कुल फाइनली शुद्ध मिल है गई, सो आई डिड नॉट आपका. लूज. या वाओ चलो ये अच्छा है आपका. देखो सिद्धनाज भी एक तरह से ब्लेसिंग निकले, आपने बिग बॉस 13 चूज किया उसके बावजूद आपको प्रमोशन मिला. जी ये तो है. मतलब इट्स सो स्ट्रेंज. और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 20 साल की हूँ, आई एम 30+. तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल टीनेजर हूँ, कि मुझे कोई केमिस्ट्री और कोई रोमांस इतना अचानक से अच्छा लग जाएगा. और बट फिर भी मतलब यू कैन इमेजिन, मैंने उनको जब देखना शुरू किया, आई जस्ट कुडंट स्टॉप माई सेल्फ. तो नौकरी जॉब सब चलता रहता था साथ साथ, बट यार सिद्धनाथ को तो मैं छोड़ ही नहीं पाई उन 2 हफ्तों में. मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी तरफ से ट्राई किया मन में लाइव ज्वाइन करूं, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है. थैंक यू अमन. बट थैंक यू सो मच अमन, आपकी वजह से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, स्पेशली 2 सितंबर के बाद. तो बहुत अच्छा लगता है आपका लाइव सुन करके. मैं ऑलमोस्ट हर रोज ज्वाइन करती हूँ रात को राधिका जी की डिकोडिंग सुनने के लिए, बट मैं खुद ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि तब उस समय मैं बेटी को सुला रही होती हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑलवेज ज्वाइन. बट मेरा बड़ा मन करता देखिए था मैं आपसे बात करूं और आपको बताऊं कि सिर्फ आपके लाइव की वजह से मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, मगर आपको बताना चाहेंगे आप लोगों को भी लाइव ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि फिर और अच्छा लगेगा, समझे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो आगे भी भी कोशिश करूंगी.
उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी हमारे लाइव में ऐड होना चाहते हैं, अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, सिन्नास की बातें करना चाहते हैं, प्लीज फ्रीली ज्वाइन करें। अभी देखिए, इन्होंने कहा कि मुझे अमन ऐड होना है और अपनी बातें शेयर करनी है, मैंने इनको तुरंत ऐड किया। तो कितना अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। जो भी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सुन रहे हैं, प्लीज हमारे लाइव ज्वाइन करें, यूट्यूब लाइव ज्वाइन करें, इंस्टा लाइव ज्वाइन करें। और बताएं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। जब जी 2 सितंबर का हुआ हमारे लिए जी बहुत ही कठिन वक्त था, तब आपने, आप तो न्यू न्यू फ्रेंड बनी थी मार्च में, तो जी आपने कैसे संभाला? अमन बहुत मुश्किल था। अमन मैं अभी भी बात करती हूँ उस बारे में तो मुझे रोना आ जाता है, बट इट्स फाइन नाउ आई थिंक। बट उस समय तो बहुत मुश्किल था। मतलब अब मैंने अपने जॉब में अपने एक कॉलीग को मैं किससे बात करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस समय सो रहे थे, सुबह का टाइम था यहाँ पे, और इंडिया मतलब ही स्टिल लैग्स मी इन टाइमिंग। तो मेरे यहाँ जब सुबह होती है उनके यहाँ लेट नाइट होती है, तो वो तब सो रहे थे मुझे पता था। एंड आई वॉज सो डिस्टर्ब, मैं कंटिन्यूसली क्राई कर रही थी। मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ करके आई और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ। मैंने उसको बताया, नथिंग बेटा, मतलब मैं उसको समझा नहीं सकती थी। तो आई जस्ट टोल्ड हर कि अ फ्रेंड ऑफ माइन डाइड। उसको बहुत अच्छे से ये भी नहीं पता है कि मरने का क्या मतलब होता है। तो आई एक्सप्लेन दैट ही विल नो लॉन्गर टॉक और थिंग्स लाइक दैट। फिर उसके बाद मैंने अपने कॉलीग को फोन फोन किया और उसको मैंने बताया, और उसने बोला अरे क्या हो गया। मैंने कहा नो यू वोंट अंडरस्टैंड, मतलब उसके साथ ना ऐसी अटैचमेंट है लोगों की इन दोनों के साथ कि मतलब तुम्हें सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, बट आई एम रियली डिस्टर्ब राइट नाउ बिकॉज आई वॉज जस्ट कंटिन्यूअसली क्राइंग एंड आई जस्ट नीडेड टू टॉक टू समवन। तो फिर मैंने उससे बात की, फिर मैंने अपने हस्बैंड को, जब वो उठे तब फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की। और मतलब उसके कुछ दिनों बाद तक तो मैं जिससे वो जिससे मतलब मैं जिससे भी बात करती थी ना, मैं यही बोलती थी कि यार पता है ऐसा ऐसा हुआ और मुझे ये दोनों बहुत पसंद थे। और मतलब आई स्टार्टेड शेयरिंग माई फीलिंग्स बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट, बट क्योंकि मैं इतने लोगों से बात करती थी, अपनी फीलिंग्स मैं शेयर करती थी, मतलब वो मजाक उड़ाए चाहे जो भी करें हंसे मुझ पे, तो बट इट हेल्प। अभी भी मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता। समटाइम्स आई एम वॉचिंग देयर क्लिप्स एंड इट्स हार्ड टू बिलीव दैट दिस पर्सन इज नो लॉन्गर देयर, और वी विल नॉट गेट एनी मोर यू नो क्लिप्स फ्रॉम देम, और देयर वोंट बी एनी एंटिसिपेशन कि अरे यार अच्छा शायद ये लोग कहीं दिख जाएं। तो अभी भी बट इट्स मैंने डिफिकल्ट। आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग लग रही हैं। आपका आपसे ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस, आप देखिए, आप भी स्ट्रांग रहिए और पॉजिटिव रहिए आगे। यस आई थिंक बाय अमन द सबसे बड़ी बात होती है, आई थिंक इफ यू शेयर विद पीपल इवन इफ दे कैन मेक फन, मतलब ऐसा हो सकता है वो नहीं समझेंगे, वो मजाक उड़ाएंगे, बट आई फील शेयरिंग ऑलवेज हेल्प्स। तो इसलिए वेरी ट्रू गाइस, जरूर बताना कमेंट में आपको मृणाली जी की बातें कैसी लग रही हैं। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही हैं। बाय द वे, आपके लिए एक कमेंट आया है, प्लीज बुरा मत मानना। मृणाली जी, किसी जी ने किया, बहुत फनी कमेंट है आपके जी लिए। उन्होंने कहा है आपकी वॉइस टॉप की स्टार की तरह है। अरे बाप रे नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगी क्योंकि सिर्फ वॉइस का है। आई होप मेरा और कुछ भी उसकी तरह ना हो, बट शी इज अ सिंगर सो आई वोंट माइंड। वो भाई बहुत लेकिन पता, इन्होंने ऐसा क्यों फील किया आपकी वॉइस टॉकी स्टार की तरह? गाइस कमेंट में जरूर बताएं कि आपको भी ऐसा लगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगा। ओह आई आई होप और कुछ भी ना हो, आई होप और किसी को भी ना लगे। या एंड आपका फेवरेट मोमेंट क्या रहा सिद्धार्थ का, बिग बॉस 13 का? अमन एक्चुअली मैंने जितनी बार बिग बॉस 13 देखा ना, मेरे फेवरेट मोमेंट्स जो हैं बदलते गए। तो पहले तो इनके सारे क्यू फर्स्ट पैचअप,
फिर सिद्धार्थ का ब्रेकडाउन, ये सब मेरे बहुत फेवरेट मोमेंट्स में से हैं। बट आपको बताऊं, आज की डेट में ना जो इनका फाइट वीक था ना सिडनास का, जिसमें सिद्धार्थ और शहनाज बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे एक हफ्ते, बहुत जबरदस्त दूरियां थी इनके बीच में, आज मैं वो देखती हूँ ना तो मतलब इनके इन दोनों के मतलब बीच में देर वॉज एन अंडर करेंट दैट वॉज कंटिन्यूसली ऑन बिटवीन देम, देर वॉज एन अंडर करेंट ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ गुस्सा था इन दोनों के बीच में, बात करना भी चाह रहे थे, मतलब इट वॉज सो ऑब्वियस कि सिद्धार्थ वॉज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड सो मच, ही जस्ट वॉन्टेड टू टॉक टू शहनाज सम हाउ, इवन इफ ही वॉज शाउटिंग एट हर, ही जस्ट वॉन्टेड अ रिएक्शन फ्रॉम हर सम हाउ, क्योंकि उसमें शहनाज सिद्धार्थ से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी उस कुछ दिनों में। तो मुझे अब वो वीक भी बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द अंडर करेंट दैट्स जस्ट प्लेइंग बिलो द सर्फेस बिटवीन दीज टू। तो मतलब वो एक दूर रह करके, दूर भी रहना है, बात नहीं करनी है, बट सिद्धार्थ इज ऑल्सो नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि शहनाज उसको इग्नोर कर रही है, उससे बात नहीं कर रही है। तो हाँ, तो ये बहुत सारे, मैं तो आई कैन गो ऑन टॉकिंग अबाउट दीज टू एंड देयर मोमेंट्स ऑन एंड ऑन। वाह, आप बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर रही हैं, आप थोड़ा हिंदी और बोले ना तो और मजा आ जाए। मुझे आपकी जो डिस्क्रिप्शन है बहुत ही प्यारी है, मुझे तो, मैं तो आपको अभी के अभी सिडना सर्टिफिकेट देना चाहूंगा अपने लाइव में स्पीकर बनने का। बड़े टाइम बाद में किसी को सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आपको मिलता है हमारे लाइव में स्पीकर बनने का सिडना साथ हैं और खुश हैं का सर्टिफिकेट। थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू। एंड आप बताएं, आपका फ्रांस में भी सिडनास फैन मिला कोई? नहीं अभी तक तो कोई नहीं मिला, हालांकि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बात की है इस बारे में। आई थिंक अ कपल ऑफ देम, सॉरी मैं हिंदी में बोलूंगी, आई थिंक मेरे कुछ दोस्त हैं जो शायद उनको पसंद करते हैं, बट दे डोंट क्लियर, वो खुल के बोलते नहीं है मुझे ऐसा लगता है तो, बट ऐसा कोई अभी तक मुझे मिला नहीं है फ्रांस में यहाँ पे। आप होप सो जो भी हमें सुन रहे हो शायद वो फ्रांस से हो। बहुत ही अच्छा लगता है हमारे साथ लाइव में, नैना जी ऑस्ट्रेलिया से, प्राची जी सिंगापुर से, तो और भी ऐसी कंट्रीज से जहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है, यूएसए कनाडा में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है इन दोनों का, जैसे अदर कंट्रीज में देखा जाए पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ। फ्रांस, एक्चुअली अमन उसका एक रीजन ये है कि फ्रांस में इंडियंस एज कम्पेयर टू यूएस, मतलब पाकिस्तान में भी लैंग्वेज तो सेम बोली जाती है, एंड अदर कंट्रीज में मतलब हिंदी या उर्दू बोलने वाले लोग कम है फ्रांस में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, इसलिए शायद यहाँ उतने लोग आपको ना मिले फ्रांस में। सो ट्रू, वही तो मैंने बोला, मगर अच्छा लगता है इन कंट्रीज से भी लोग जुड़ते हैं और सिडनास की फैन फॉलोइंग हर जगह है। और आपको बिग बॉस 13 के बाद सिडनास का कौन सा मोमेंट है जो फेवरेट है, मेरा जो जब आपने सिडनास को देखा? बिग बॉस 13 के बाद मेरा फेवरेट मोमेंट है जब ये ओटीटी के लिए आए थे, एंड उसमें एक उस ओटीटी से पहले व्हेन दे कम आउट ऑफ देयर मेकअप वैन, तो दोनों जब शहनाज बाहर आती है और वो सिद्धार्थ के पास आती है, एंड सिद्धार्थ जस्ट पुल्स हर टुवर्ड्स हिमसेल्फ, वो पैपराजी मतलब जर्नलिस्ट के सामने जब वो बस उसकी कमर पे हाथ रख करके हल्का सा पुल करता है अपनी तरफ, वो मेरा फेवरेट मोमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स। तो यस, बिग बॉस ओटीटी से पहले वो सारे मोमेंट्स बहुत बहुत प्यारे हैं। और चलो, ये मोमेंट तो वो हुआ जो कैमरे के सामने था, ऐसा मोमेंट जो थोड़ा वैसे आया, जो मीडिया से नहीं आया, नॉर्मली आया, वो कौन सा फेवरेट है आपका? एक्चुअली अमन उसमें मैंने वो सारे, वो अधिकतर जो मोमेंट्स आए जैसे इनका पंजाब ट्रिप है या इनका गोवा ट्रिप है, वो मैंने पोस्ट डेटेडली देखा है, यू नो, तो इसलिए वो जैसे
आप मार्च में भी तो बनी है फैन, मार्च 2021, आपने बहुत कुछ मिस भी कर दिया होगा। इसीलिए तो मैंने ये सब ना पोस्ट डेटेडली ये सब देखे हैं, तो वो एक्साइटमेंट जो होती है ना कि अरे अब क्या आने वाला है, अरे कहाँ दिखने वाले हैं, अरे ये लोग साथ हैं कि नहीं है, तो वो सारे मैंने मिस किए थे एक्चुअली. कोई बात नहीं, अगर आप मेरे सारे लाइव सुन लोगे ना 1 साल के, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। मैंने सुने आपके कुछ पुराने लाइव सुने हैं जिसमें पंजाब के कुछ फैंस ने आपसे बात की थी, जो उनसे मिले थे. आई थिंक गोवा, गोवा में भी कुछ फैंस ने आपसे बात की थी लाइव में. वो सब हैं आपके चैनल पे? हाँ, तो वो सब मैंने सुने हैं. रिसेंट वाला तो बेस्ट था, सिडनास एट स्टारबक्स कॉफी। हाँ, वो तो बहुत सही था. उससे पहले शहनाज ने वो पिक पोस्ट की थी ना, जो वो बालकनी में खड़ी है अपने अकाउंट पे. तो मैं वही सोच रही थी, यार ये बालकनी में खड़ी है, ये लोग कहीं घूमने गए हैं, आपको राइट याद है? राइट, तो मैं लोनावला। एग्जैक्टली, तो मैं ना उस वो पिक देख करके मैं यही सोच रही थी, यार ये लोग कहीं घूमने गए हैं क्या, सिद्धार्थ और शहनाज दोनों साथ में होंगे क्या यहाँ पे. और तब तक तो आपने वो पोस्ट की पिक सुन की, साथ में स्टारबक्स वाली कॉफी, एंड शहनाज वॉज इन द सेम ड्रेस, वही पिंक क्रॉप टॉप एंड जीन्स उसने पहनी हुई थी. तो मुझे लगा यार ये हॉलीडे साथ मना रहे हैं, सो क्यूट. सच में आज मैं ट्रेवल कर रहा था, कहीं बाहर से जा रहा था, तो मैं बस में बैठा था और उनकी सॉन्ग सुन रहा था, तू यही है और हैबिट वगैरह, तो यही कर रहा था यार। मैंने सिडनास की वो लास्ट अपडेट दी थी स्टारबक्स वाले, अब नेक्स्ट अपडेट क्या होगी, तो थोड़ा मैं इमोशनल फील कर रहा था अंदर से। अब मैं कभी सिडनास की कोई ऐसी अपडेट नहीं दे पाऊंगा, तो फील हो रहा था अंदर से। या दैट्स ट्रू. मन थोड़ा अभी भी विश्वास नहीं होता, मतलब अभी भी सिंक इन नहीं हुआ है, जिसको बोलते हैं ना सिंक इन, मतलब अंदर ये विश्वास नहीं हुआ है कि ओके वी विल नॉट सी दिस पर्सन अगेन, मतलब हम कभी अब कभी ये पाप नहीं होंगे साथ में. तो बट इट्स फाइन, आई थिंक वेर एवर ही इज, आई जस्ट होप ही इज हैप्पी एंड पीसफुल. और उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए तो हम यहाँ पे हैं ही सालों सालों. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, थैंक्स अमन. मृणाली जी। आपका नाम मृणाली या श्वेता है, दोनों नाम एक ही है? एक्चुअली दोनों मेरे नाम है, आपको जो इजी लगे आप वो यूज कर सकते हो. यू कैन कॉल मी श्वेता एज वेल. श्वेता अच्छा है। इजी इजी है ज्यादा बोलना. श्वेता इनका नाम है, श्वेता जी फ्रॉम फ्रांस। जी, और क्या कहते हैं आपको, हैबिट तो यही है, सॉन्ग कैसे लगे? हैबिट बहुत अच्छा लगा था, और हैबिट तो मेरी डॉटर को भी बहुत अच्छा लगा था. आप वो रोज सुनती है हैबिट सॉन्ग. उसे भी सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में पता है पूरा, क्योंकि मैं उसी के साथ रहती हूँ, तो आई शेयर इट विद हर. दो अभी बहुत छोटी है वो, शी इज जस्ट 7 years old, बट उसे हैबिट सॉन्ग बहुत पसंद है. और तू यही है तो अमन, इट्स जस्ट इन अनदर लीग, इट्स अ लीग इन इटसेल्फ, मैं तो कहूंगी. मतलब इतना इमोशनल सॉन्ग है वो, मतलब आज अब कभी ऐसा होता नहीं कि वो मैं बजाऊं और एंड माय आईज आर नॉट वेट, ऐसा होता ही नहीं है कभी. इट्स मतलब इट्स जस्ट सो प्योर, और थोड़े ना कैसे मैं समझाऊं, इट्स जस्ट द स्पिरिचुअलिटी जो है ना उस सॉन्ग की, दैट इज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर. तो वेरी ट्रू। वो फिर वो कुछ अलग ही है, वो गाना कुछ अलग ही है बिल्कुल. नैना जी कह रही हैं, सिडनास का फर्स्ट पिक आया था 26 फरवरी 2020 को, आपने देखा था वो पिक्चर? सिडनास की फर्स्ट पिक 2020? नहीं, तब तो मैं उन्हें जानती भी नहीं थी. या आपने उसके 1 ईयर बाद फैन बनी है, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, सिडनास की वो फर्स्ट पिक्चर थी जब वो अवार्ड शो में गए थे, एक ओके, म्यूजिक यस अवार्ड यस. शो। आज जो जो मिरर के सामने सिद्धार्थ और शहनाज साथ में हैं, करेक्ट राइट? वही।
जो हाँ मेरे इंस्टाग्राम पेज सिन्हाज अपडेट्स की डीपी है, जो कि मैंने आज जी, तक की वो है, बहुत प्यारी पिक है वो तो। मिर्ची मिर्ची अवार्ड्स। अवार्ड्स गाइस, ना। मैंने श्वेता जी के साथ सब कुछ डिस्कस कर लिया है, आप भी बताना, जो भी न्यू सिन्हास फैन बने होंगे उनको भी एक रिफ्रेशमेंट मिल गया होगा। मैंने इनके साथ एवरीथिंग डिस्कस कर लिया, इनसे सब कुछ पूछ लिया, और वही पिक मैं आज तक चेंज नहीं करी, मिर्ची अवार्ड की वो पिक्चर थी सिन्हास। वो बहुत प्यारी पिक है उनकी। इनफैक्ट वो पूरा परफॉर्मेंस जो है ना, 9 से 10 मिनट का उनका मिर्ची अवार्ड्स का, वो भी मैंने इतनी बार देखा हुआ है। बहुत प्यारा परफॉर्मेंस था उनका। या उसमें उन्होंने कौन सी मूवी थी, कबीर सिंह के मूवी के सॉन्ग्स पे डांस कबीर सिंह के किया देखा था। दो, हाँ 2-3 गाने। एक तो डूब जाऊं, स्लो मोशन, और हाँ काफी सारे गाने, 5 गानों पे उन्होंने परफॉर्म किया था आई थिंक। या या आपने देखा तो सब कुछ है। हाँ देखा मैंने सब कुछ। भले ही मैंने, मेरी स्टार्ट लेट हुई है, बट देखा मैंने सब कुछ। आपको मैं बताना चाहूंगा, आफ्टर 2 सितंबर बहुत ज्यादा सिन्हास फैन बने हैं और मुझसे कहते हैं वो लाइव में ज्वाइन होने की, तो दैट्स अमेजिंग कि सिन्हास को प्यार कभी कम नहीं होगा लोगों का। मुझे नहीं लगता कभी कम होगा, और नए लोग जुड़ते जाएंगे, हो सकता है पुराने लोग जैसे जैसे निकलते जाएं जिंदगी से, वैसे वैसे नए लोग भी जुड़ते जाएंगे। मुझे लगता है इनकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग थी, एंड दे आर सच प्योर सोल्स। आप जब उनको साथ देखते हो ना, तो आप ना भी चाहो तो भी आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। सो आई थिंक वो कभी कम नहीं होगा, मतलब आगे भी, आई आज से थिंक 20 साल बाद भी कोई उनके मोमेंट्स देख करके उतना ही अटैच हो जाएगा उनसे। वेरी ट्रू। और एक बात, अब तो हम सब शहनाज में ही सिद्धार्थ को ढूंढेंगे, राइट? और मुझे नहीं लगता कि शहनाज की जिस तरह लोग उसको प्यार दे रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कोई शहनाज को छोड़ के जाएगा। और नहीं, वो है इतनी प्यारी, दोनों ही बहुत प्यारे हैं, और शहनाज अब तो शहनाज ही है, तो वो है इतनी प्यारी कि उससे तो मिलता ही रहेगा हमेशा प्यार। आई होप शी जस्ट स्टेज ब्लेस्ड एंड हैप्पी, एटलीस्ट पीसफुल इन हर लाइफ। या और कल तो वो वापस भी आई इंस्टाग्राम पे, उसने एटलीस्ट स्टार्ट किया, और ये बहुत हाँ ही अच्छी बात है। बहुत स्ट्रांग लड़की है वो, शी इज सच अ स्ट्रांग गर्ल। या ओके अमन, आई नीड टू, मेरा लंच टाइम खत्म हो रहा है, आई नीड टू लॉग इन टू माय कंप्यूटर अगेन ओ नाउ। वाह, आपके साथ इतना अच्छा कन्वर्सेशन चला। आई थिंक अराउंड 20-30 मिनट्स का कन्वर्सेशन मैंने किया है, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप जाओ अभी भी बातें करते रहो, मगर आपका जी टाइम हो गया है, आपको जाना होगा। जी अमन, मुझे आपका भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कितने बज रहे हैं अभी फ्रांस में? फ्रांस में इस समय, मैं रुको मैं देखती हूँ, आई थिंक 12:30 या 1:45 हो रहे हैं। हाँ साढ़े पौन बारह पौने पौने एक हो रहे हैं दिन के। दिन के 1:45, जी दैट मीन आप हमसे 4 घंटे पीछे हैं, जी साढ़े 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 चार चार घंटे 4:30। आप इंडिया में कहाँ से हैं? इंडिया में मैं से हूं तो बनारस से। वहां बाबा दादी मेरे, मतलब माय ग्रैंड पेरेंट्स स्टे देयर, और मम्मी पापा मेरे कैलकटा में रहते हैं। और हाँ, तो बनारस और कैलकटा दिल्ली के बीच में सारी फैमिलीज हैं, मतलब सारी। वाओ, आप तो हमारे यूपी से ही हैं, उत्तर प्रदेश से, हम भी जी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल। हैं। अच्छा आप उत्तर प्रदेश में कहाँ से हो, यूपी से आप? मैं इधर हूँ अलीगढ़ साइड। अरे तो बहुत ज्यादा दूर नहीं हो आप। मेरा ससुराल भी और बनारस में है। ओह दैट्स अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगा श्वेता जी से बात करके। आपसे भी बात करके अमन बहुत अच्छा लगा।
आप अमन, आप मुझे बताओ मैं डिस्कनेक्ट कैसे हूँ लाइव से। ओके मैं कर देता हूँ। एंड श्वेता जी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और आप करें ज्वाइन हमें, ठीक है, जी आप बिल्कुल मैं रेगुलरली करूंगी। जब भी टाइम मिले आपको। बहुत अच्छा जी लगा आपसे बात। थैंक यू अमन, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू एज वेल। यू बाय, टेक बाय यू टू। गाइस। आप लोग को कैसी लगी श्वेता जी के साथ मेरी कन्वर्सेशन, कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा श्वेता जी से बात करके, इनकी बातें बहुत ही क्यूट थी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना जो भी हमारा लाइव सुन रहे हैं। ओके हेलो, व्हाट्स योर नेम, हाय, माय नेम इज सुषमा देश पांडे। आप कहाँ से हैं? मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ। अच्छा, आपको पहले भी लाइव में देखा है मैंने कमेंट्स करते हुए। हाँ, मैं काफी सुनती हूँ आपका लाइव सेशन, पर लाइव नहीं सुन पाती हूँ, यूजुअली यूट्यूब में सुन लेती हूँ रात को। तो मेरा रात का पूरा रूटीन सेट रहता है। ओह बच्चे दैट्स को, आई हैव अ 6-year-old, उसको मैं 10 बजे तक सुला देती हूँ। उसके बाद आपका यूट्यूब का सेशन सुनना, डिकोडिंग सुनना है राधिका जी का। उसके बाद वापस जाके वूट पे वो एपिसोड देखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राधिका जी, एंड पूरा सीन्स पक्का समझ में आ जाता है। एंड उसके बाद 3:30 या 4 बजते हैं तो आपका फिर से लाइव शुरू होता है, तो आई ट्राई टू ज्वाइन अगेन। ओह दैट्स पर वेरी स्वीट ऑफ यू सुषमा जी। हाँ, उसके बाद थोड़ा नींद आ जाता है, तो समटाइम्स मैं सुन लेती हूँ, समटाइम्स मैं वापस सो जाती हूँ, बिकॉज मुझे नेक्स्ट डे 10 बजे के लिए वो वीडियो ऑडियो चाहिए होता है आप आराम से सुनने के लिए। जिस दिन आपका वीडियो नहीं, जिस दिन आपका डिकोडिंग नहीं आता है, मैं आई एम द फर्स्ट वन टू मैसेज यू एंड आस्क यू क्यों नहीं आ रहा है। आज का मेरा ऐसा है, जैसे टैबलेट लेते हैं ना रात को सोने से पहले, ऐसा है वो, तो नहीं यो मिलता है तो या बहुत, हाँ कभी बहुत कभी हैबिट मिस हो गया। हो कभी कभी मिस हो जाता है क्योंकि डेली लाइव होता है ना। करेक्ट। बट हाँ, तो थैंक अभी यू मैंने उसका भी आपका। एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट टू कम फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं नई नई सिग्नाजियन बनी हूँ, ओ क्योंकि मैंने कभी यूट्यूब पे ये कमेंट डाला था, पता नहीं किसी ने पढ़ा है कि नहीं, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, पर एग्जैक्टली 2 सितंबर के एक हफ्ते पहले आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस फिनोमिना कॉल्ड सिद्धार्थ शुक्ला। ऐसे ही यूट्यूब पे कुछ देख रही थी, और यूट्यूब या फेसबुक पे शायद, और एक सिडनाज मोमेंट देखा मैंने, एंड आई फेल इन लव विथ हिम एंड ऑफ कोर्स विथ शहनाज गिल। पर सिद्धार्थ शुक्ला में एक बात था जो आई आई वॉज एबल टू इमीडिएटली कनेक्ट विथ हिम, इमीडिएट कनेक्शन हुआ। एंड मैंने उनका नाम सुना हुआ था पहले बालिका वधू वगैरह में, पर मैं सीरियल फॉलो नहीं करती थी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि बंदा क्या है। तो मैंने सोचा ओके देखेंगे, कुछ और मोमेंट्स देखा, कुछ और क्यूट मोमेंट्स देखा, देन मुझे रहा नहीं गया, वूट पे जाके पूरा बीबी 13 देखना शुरू किया। एंड आप मानोगे नहीं, एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद 2 सितंबर को ये हुआ, एंड आई वॉज एट द पीक ऑफ व्हाट यू कॉल फॉलिंग इन लव विथ सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल एंड द होल सिद्धनाज, व्हाट यू कॉल द होल फिनोमेना ऑफ सिद्धनाज, एंड ओके इट वाज सच अ बैड टाइमिंग। इतना ऐसे लग रहा था कि जस्ट आई वाज, वो जो एंटिसिपेशन और जो एक्साइटमेंट अभी अभी शुरू हुआ था, एंड इतना बुरी तरह से उसका ऐसा एंड हुआ, एंड एज इन फिजिकल एंड हुआ, क्योंकि देर इज अ रियलिटी एट द बैक ऑफ द माइंड। अभी भी जब मैं देखती हूँ कि ये फिर से नहीं होने वाला है, मुझे नए क्यूट वीडियोस नहीं देखने को मिलेगा,
ये बैक ऑफ द माइंड रहेगा, पर तब ऐसा नहीं था। तो जस्ट एक दिन पहले September 1st शाम को मैं मेरे कजिन के साथ इसके बारे में बात कर रही थी, एंड वो मेरे से काफी यंग है, तो बोल रही थी नहीं नहीं आप इंस्टाग्राम खोल के देखो, पूरा सिद्धना से भरा पड़ा रहता है, एंड आपको जो भी चाहिए कंटेंट वहां मिल जाएगा एंड ऑल दैट। आई एम लाइक आई हिट द गोल्ड माइन। September 1st शाम को मैं ऐसे शान से बैठ के इंस्टाग्राम में देख रही थी कि आई हैव जस्ट हिट अ जैकपॉट। एंड सुबह उसी से कॉल आया, उसी कजिन से कॉल आया मुझे, मैं मेरे बेटे का ऑनलाइन क्लासेस चलता रहता है, तो मैं सुबह बिजी रहती हूँ उसको पढ़ाने में, क्लास में बिठाने में, तो मैं न्यूज ज्यादा फॉलो नहीं करती हूँ। तो शी कॉल्ड मी अराउंड 11 o'clock एंड शी टोल्ड मी तुम्हारा शुक्ला मर गया। आई एम सॉरी, आई मीन इट कुड बी ट्रिगरिंग फॉर समबडी, आई एम सॉरी टू यूज दोज वर्ड्स, बट ऐसे बोला। मैं क्या बात कर, यूजुअली जब ऐसे मेरी कजिन कॉल करके ऐसे अर्जेंसी में, वो काम करती है, तो ऐसे अर्जेंसी में कोई कभी सुबह फोन कर लेती है, तो ऐसा एक फियर रहता है कि कहीं किसी को कुछ हुआ ना हो, ऐसे कुछ न्यूज देने के लिए फोन कर रही है। तब पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जब भी उसका कॉल आया और मैंने कॉल रिसीव किया, मुझे लगा कोई रिश्तेदार में किसी को कुछ हुआ है इसलिए ये कॉल कर रही है। उसने ये बोला, एंड अमन यू वोंट बिलीव, मैं एक मिनट के लिए सोच रही थी मुझे कुछ रिलेटिव होता तो ठीक था यार, सिद्धार्थ शुक्ला क्यों? एंड या बहुत डिफिकल्ट था, किसी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, इंक्लूडिंग दैट कजिन हु न्यू कि मैं ये पागलों की तरह फॉलो कर रही हूँ, उसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों मुझे इतना दुख हो रहा है। शी इज लाइक अभी ठीक हो, अभी ठीक हो, 2 दिन उसने चेक किया मेरे से, पर दिस फीलिंग वॉज नॉट गोइंग अवे। एंड मैंने हस्बैंड से बात की, मेरे भाई से बात किया, एवरीबडी आर लाइक यू आर नॉट दिस पर्सन। आई मीन मैं किसी सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं करती हूँ, मैं इतना मूवीज का क्रेज नहीं है, तो आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। अगर कोई सेलिब्रिटी मॉल में या कहीं पे दिख जाए, माय हस्बैंड विल इवन से कम लेट्स गो टेक अ फोटो, बट आई विल से उसका क्या है, मुझे नहीं लेना है। तो आई एम ऑलवेज दैट काइंड दैट आई विल नॉट इवन गो टेक अ टॉक टू दैट पर्सन प्रोबेबली। पर इसके साथ पता नहीं क्या था वो कनेक्शन, तो मैंने वापस वेरी डिलीजेंटली बिग बॉस 13 देखना शुरू किया। एक दो दिन नहीं देख पाई, उसके बाद फिर से शुरू किया। अभी 2 महीने में मैंने शायद 3 बार देखा है स्टार्ट टू फिनिश, और अभी भी देखती हूँ। अभी भी कि मैंने हाँ, ऐसा किसी से नहीं सुना अब तक मेरे लाइफ में आया। आपके साथ तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है एज ए फैन, अगर मैं देखूं। आप एक हफ्ते पहले उनकी वीडियोस फाइंड कर रही थी, न्यू न्यू फैन बनी थी, और एकदम से आपको ये सब देखना पड़ा, तो सच में वो झटका इतना बुरा था। मैं एक हफ्ते के लिए इस बात पे रो रही थी कि Why did even universe bring me to this? ऐसा मैं चल सकता था अगर मैंने वो वीडियो नहीं देखा था, अगर कुछ ऐसे तो सोशल मीडिया में मैं इतना एक्टिव नहीं रहती हूँ आजकल, तो आई वुड हैव मिस्ड, ट्विटर पे मैं तो ज्यादा रहती नहीं हूँ, तो आई वुड हैव टोटली मिस्ड दैट, इफ आई हैड मिस्ड दैट वीडियोस कपल ऑफ टाइम्स, मैं शायद ये सब दिस वर्ल्ड ऑफ सिग्नल आई वुडंट हैव एक्सपीरियंस एट ऑल। तो अब मुझे आके लग रहा है कि इसका रीजन है, मुझे जुड़ना था, मुझे राधिका जी सबका डिकोडिंग सुनना था, स्नेहा जी का बात सुनना था, आपके साथ जुड़ना था, ऑल दिस वॉज मेंट फॉर अ रीजन। बट दैट फर्स्ट वीक ऑफ हिम पासिंग अवे, आई एम थिंकिंग क्यों हुआ ये मेरे साथ, मेरा लाइफ अच्छा खासा चल रहा था, ये शायद ही मुझे इतना बुरा शायद सुशांत सिंह राजपूत गुजर गए थे तब भी नहीं लगा था। इससे पहले काफी सेलिब्रिटीज ऐसे सडनली गुजर गए ना, वो मंदिरा बेड़ी का हस्बैंड गुजर गए जस्ट 2 महीने उससे, इसके 2 महीने पहले, तो इट वुड हैव बीन लाइक दैट दैट आई वुड हैव सीन सम न्यूज़, फेल्ट बैड एंड मूव्ड ऑन, लाइक यू नो लाइफ ऐसा होता है।
पर ये ऐसा नहीं है। आज भी मैं, कल भी मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि 3 महीनों को होने को हुआ है, आई स्टिल कांट गेट ओवर इट, आई स्टिल कांट गेट ओवर द फैक्ट दैट ही इज नॉट देयर, आई स्टिल कांट, अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि वो नहीं है, अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि शहनाज को वो नहीं, शहनाज के साथ वो नहीं है। एंड वो, आई मीन, अगर मुझे ऐसा लग रहा है, दो 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 महीने की फैन क्लब या फैन जो मैं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई कांट इवन इमेजिन व्हाट दैट गर्ल वुड बी गोइंग थ्रू। मुझे समझ में भी नहीं आ सकता है कि वो किस सिचुएशन से गुजर रही है। उसके ऊपर उसके वीडियोस पे हेटर्स कमेंट कर रहे हैं। आई मीन, आई डिडंट नो एनी ऑफ दिस, आई डिडंट नो द हेट क्लब, आई डिडंट नो द फैन क्लब, आई डिडंट या नो शहनाजियन, आई डिडंट नो सिदनाजियन, ना कुछ भी नहीं पता। राइट, लाइक मुझे जाके कुएं में धकेल दिया, लाइक गो स्विम स्विम इन दिस वर्ल्ड ऑफ सिदनाज। सुषमा जी, आप, मैं आपसे यही कहूंगा, आप स्ट्रांग रहें। मुझे खुद आपकी बात सुन के सच में फील हो रहा है, सच में ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया आफ्टर 2 सितंबर। मगर आपकी स्टोरी सुन के जो आपने अभी बताई, एक कमेंट आया है शिरा दी का, वो लिखते हैं आपका और मेरा स्टोरी थोड़ा थोड़ा सेम है, बताइए। तो आपकी तरह और भी लोग हैं जो अभी अभी कनेक्ट हुए हैं, तो सोचिए उनके लिए तो एक तरीके से झटका था बहुत बड़ा। एग्जैक्टली। एंड अभी मैं जब राधिका जी के डिकोडिंग सुनती हूँ, या मैंने पहली बार जो बिग बॉस 13 का देखा, मुझे आपका लाइव सेशन, आपका चैनल पता नहीं था, तो आई जस्ट ब्लाइंडली वेंट एंड वॉच्ड इट। तो मुझे कुछ कुछ भी नहीं पता, मुझे पता भी नहीं था इस बंदे ने टाइटल, आई मीन बिग बॉस 13 जीता था। आई जस्ट न्यू ही वॉज इन दैट सीजन, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू वॉच इट। एंड उसका, शहनाज गिल का वो टॉमी वाला मेम मैंने पहले कभी देखा था, एंड आई एंजॉयड इट, बट इट स्टिल हैडन्ट मेड मी गो वॉच द सीजन। तो जब मैंने पहली बार देखा, वेरी ओपन माइंडेडली, मुझे कुछ भी नहीं पता था, देखा था, एंड एवरी टाइम आई नाउ वॉच इट, एवरी सीजन, एवरी लाइक एवरी टाइम न्यूली मैं जब देखती हूँ, एवरी टाइम आई सी अ डिफरेंट एंगल टू इट, डिफरेंट इमोशन टू इट। अभी मैं देख रही हूँ एक्सक्लूसिवली टू सी सिदनाज मोमेंट्स एंड कैच दोज स्मॉलर नुआंसेस जो राधिका जी कैच करके बताती है ना, आई लव इट। मैं हमेशा राधिका जी का डिकोडिंग के बाद एक कमेंट तो छोड़ती हूँ कि शी अंडरस्टैंड हिम एंड शी अंडरस्टैंड शहनाज सो वेल, एंड शी इज मेड मी सी दिस इन इन सच, आई मीन शी इज जस्ट ओपन्ड अ वर्ल्ड ऑफ लव फॉर मी। वो ऐसा वेरी लग रहा है वेरी कि वेरी उसने ना एक देखने का नजरिया दिया है, एंड उस नजरिया से जब देखोगे तो एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल। इवन इतने दुख के टाइम में भी इट फील सो ब्यूटिफुल, इट वॉज टू ब्यूटिफुल टू बी ट्रू, इट वॉज टू ब्यूटिफुल टू बी गोइंग ऑन फॉर सो लॉन्ग। आई थिंक वो 2 साल में जो उन्होंने जिया है, उसका पूरा जिंदगी लग जाता है किसी को जीने में, राइट? तो वो वाला फीलिंग आता है। अब नाउ आई डोंट क्राई, नाउ आई डोंट क्वेश्चन द यूनिवर्स कि मुझे इससे क्यों मिला। मे बी बिकॉज आई हैव अ लेसन टू लर्न फ्रॉम दिस, आई कैन मेक माई रिलेशनशिप बेटर विथ माई स्पाउस इनको देख के। इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि कैसे बात ना करते हुए भी बहुत कुछ बोल सकते हो, राइट? सिद्धार्थ शुक्ला ने उतना इतना अच्छी तरह से दिखाया है उसने कि वेरी ट्रू। बात करने से ही प्यार नहीं है, काफी सारे प्यारे चीज तुम जस्ट आंखों से दिखा सकते हो, एक्शन से दिखा सकते हो, हर चीज बात करके नहीं दिखाना है। तो आई लव इट, एंड आई नाउ आई आई टोल्ड यू ना, मेरा रूटीन बन गया है। मेरे हस्बैंड शाम को नाइट शिफ्ट को काम करते हैं, तो आई मीन दैट डजंट मैटर, इवन इफ ही वाज हियर आई प्रोबेबली विल स्टिल वॉच इट। बट अभी वो शाम को ऑफिस जाते हैं, उनको भाई बोल के, ही ऑल्सो नोज दैट यू नो आई हैव माई रूटीन सेट, मैं ये देखती हूँ, एंड आई हैव अ वेरी यू नो सेफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। दिस आई गॉट इंट्रोड्यूस टू बीइंग अमन ऑन यूट्यूब जस्ट बाय वॉचिंग सिदनाज मोमेंट्स, देख रही थी एंड आपका चैनल दिखा मुझे,
एंड आई थिंक इट वॉज राधिकाज सम सेशन, इट वॉज नॉट डिकोडिंग, ये डिटेल डिकोडिंग शुरू होने से पहले का एक सेशन मैंने सुना था, आई थिंक जब वो बोल रही थी अबाउट प्योर सोल एंड यू नो हाउ शी गेट्स द वाइब्स एंड मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स दैट यू नो एवरीथिंग इज फाइन, ऐसा कुछ था वो सेशन. वो सुनने के बाद आई जस्ट सब्सक्राइब एंड नाउ अभी कट टू टुडे आपका सेशन नहीं होता है फॉर वॉट एवर रीजन. मैंने अपना रूटीन टॉप टू बॉटम वो वीडियोस आपका अगर मैं क्लिक करूँ टॉप, अगर टॉप मोस्ट तो लेटेस्ट वीडियो रहता है ना, अगर वहां पे कुछ नहीं है तो डाउन से ऊपर जाती हूँ, वहां पे सफिशिएंट वीडियोस है मुझे देखने के लिए. सुषमा जी मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ, बहुत ही अच्छी बात है. अगर आपको हमारे लाइव वीडियो से अगर इतना अच्छा लग रहा है, आप फेल कर रही हैं सन्नास को, इससे अच्छा क्या हो सकता है. आप अपने अपने आप को रिलैक्स फील कर रही हैं. रश्मि जी आपके लिए कमेंट किया है, वो लिखती हैं मैम आप स्ट्रांग रहिए, एक्चुअली हम सभी एक सेम बोट में ही हैं, हम सभी की एक जैसी हालत है, बट क्या कर सकते हैं, हम सबको स्ट्रांग रहना है. और सुषमा जी आपकी जो क्रैकिंग वॉइस है बहुत कुछ बता रही है आपकी फीलिंग्स. और मैं और हाँ उतना मैं इमोशनल हो गई. और आप लाइव में शेयर करने के बाद मुझे इतना भी मालूम है बहुत रिलैक्स फील भी कर रही होंगी इस वक्त I'm अपनी sure. बात. नहीं, इट्स लाइक आई फील बैड कि मैं 2 साल पहले जो वो बिग बॉस चल रहा था मैं क्यों नहीं देखा, व्हाई डिड आई वेस्ट दैट लास्ट 2 इयर्स ऑफ नोइंग देम. अगर मैं तब उनको जानती तो आई वुड हैव हैड लॉन्गर टाइम with them in real life, you know. अभी memories है, अभी मैं जो भी देखूंगी memories है, and मुझे पता है ये video से शुरू होगा और ये video पे end होगा, पर तब वो बात नहीं हुआ होता ना, I would have gotten longer time. I don't know why I never got to experience it before, and I had to experience just a week before he had to go away. बीना जी जो हैं हमारे लाइव में आते हैं, बीना जी भी हमारे लाइव में बहुत बातें करती हैं, वो कह रही हैं वो रो रही हैं इस वक्त आपकी बातें सुन के. No, my idea is not to make anybody remember the sad day. I mean, मेरा वो intention नहीं था, पर ये बहुत fresh है यार. मैं ये किसी को मैं बता भी नहीं सकती हूँ क्योंकि कोई समझेगा नहीं. although मेरे मेरे भैया मेरे से बहुत क्लोज है एंड मैं उसके साथ कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं उनको भी ये बताऊँ तो बोल दे अच्छा 2 महीने हो गए ना यार, अब तो ठीक हो जाओ. आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड यू लाइक समबडी. आप मैंने ये खत्म नहीं होने वाला है, मैं उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ. अपने नहीं समझते हैं एक्चुअली. अब मुझे ही देख लो, मैंने भी किसी के साथ शेयर नहीं किया, लोग मजाक बनाते हैं मेरा, अब मैं क्या बताऊं, मैं तो बताता भी नहीं हूँ अपने. It's okay. They are missing out on a beautiful love story that we are part of. That's all I can say. I tell my husband, I make him listen to Habit song. I make him listen to Tu Yahi and all that. He'll listen to it, but unka wo connection nahi hai. To bolte hain, haan, theek hai, achha gaana hai. I mean, unko zyada he's scared that I'll feel bad if he goes on another tangent. तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ आपके साथ कनेक्शन नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि जस्ट कोई ऐसा गाना है. अभी भी मैं दिन में शायद 3 या 4 बार वो तू यही गाना सुनती हूँ और मैं रोई बिना नहीं निकलता है. आई कैन नॉट गेट पास द सॉन्ग विदाउट नॉट क्राइंग. सुषमा जी आप स्ट्रॉन्ग रहिए और मैं आप हमारे साथ रहिए, हम डेली यहीं रहते हैं दिन रात लाइव में, आप हमें ज्वाइन करिए, हम हमारे साथ अपनी बातें शेयर कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है सुषमा जी. थैंक यू अमन. कल्पना जी लिख रही हैं इन माय 52 इयर्स की लाइफ आई नेवर सो अ लव लाइक सिन्नास. बताइए वो 52 साल की हैं कल्पना जी हमारे लाइफ में, वो कह रही हैं उन्होंने 52 साल में ऐसा प्यार कभी नहीं देखा हमारे सिन्नास. या इट वाज इट्स मैजिकल. आई मीन उन्होंने जो हमको एक्सपीरियंस करवाया विदाउट रियली दिखाने के लिए नहीं, बाय लिविंग देयर लाइफ द वे दे लिव दे जस्ट शोड अस. आई मीन ऐसे छोटे छोटे बातों में भी लव रहता है ना, प्यार बड़े चीजों से बड़े बड़े बात बोलने से नहीं रहता है,
छोटे छोटे चीजों में भी बहुत ज्यादा प्यार रहता है, वो दिखाया. एंड दैट इज सो मिसिंग इन दिस जनरेशन ना, हमने तो ऐसे वाला लव देखा ही नहीं है. अब अपने आंखों के सामने किसी कोई ऐसा कर रहा है तब भी हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं. अब जाके शायद उस नजरिया से देख पाएंगे एंड देख सकते और समझ सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है इन इन दिस टाइम एंड एज, राइट? डेथ कोड सुषमा जी, एंड आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं दिन में लाइव आया और मुझे आज मेरे लाइव में 2 न्यू स्पीकर जुड़े. आपसे पहले श्वेता जी आई थी, वो भी इतनी स्ट्रांग थी, उन्होंने बातें शेयर की हमारे साथ फ्रांस से, एंड आप आई हैं. सुषमा जी आपका नाम भी एस से ही है, उनका भी, हमारे सिडनास का भी नाम एस से ही है. That's really coincidence. आप दोनों ने इतनी अच्छी तरह अपनी बातें रखी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे. मैं शायद काफी लोगों को इमोशनल कर दिया बिकॉज इट वाज ऑल वेरी फ्रेश एंड रॉ फॉर मी. एंड मैं शायद दो दो महीनों में आज ही बात कर रही हूँ उसके बारे में खुल के, तो आई डोंट नो हाउ आई एम इवन साउंडिंग. आई मे बी साउंडिंग वेरी सिली और आई मे नहीं, बी साउंडिंग वेरी इमोशनल. आप नेक्स्ट टाइम जब आए ना, तब आए हाँ हमारे साथ अच्छे से, और अच्छा लगेगा. और अब श्योर, आपको भी मैं अपने लाइव में स्पीकर बनने के लिए बोलता हूँ, आप हमारे साथ लाइव में जरूर जुड़ा करें. ठीक है सुषमा जी, जब भी मन हो. श्योर श्योर अमन, थैंक्स अ लॉट. आई थिंक आप बहुत गाइस अच्छा काम कर रहे हो. आप आपको अंदाजा भी नहीं है आप कितने लोगों को अपहोल्ड कर रहे हो, कितने लोगों को एंग्जाइटी से बचा रहे हो. आप ये कहती हो, आप लोग कह रहे हो, आप अमन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. लोग मुझसे पूछते हैं घर पे आके, अमन आप क्या करते हो, मैं उनको बताता भी नहीं हूँ मेरी हालत कितनी खराब है. नहीं, ऑल ऑफ यू, आप जो भी टीम, आपको अमन, राधिका जी, स्नेहा जी, जस्सी, कुलदीप, ऑल ऑफ यू, यू हैव नो आइडिया आप कितने सारे लोगों के साथ जुड़ गए हो, कितना सारा पॉजिटिविटी दे रहे हो. आपको अंदाजा भी नहीं है. आई मीन मेरा दिन बन जाता है इफ आई लिसन टू अ गुड 2 आवर. मैं पहले टाइम देखती हूँ, 2 आवर 40 मिनट्स या 2 आवर है, तो मेरा तो आज तो मेरा बन गया. आज तो सच ऐश में है, इतना बहुत ही दो दो अच्छा घंटे का ऐश है. दैट्स हाउ आई फील. या बहुत ही अच्छा लगा सुषमा जी आपसे बात करके. पता नहीं क्यों मेरी आंखों में भी आंसू आ गए अपने आप, इतना अच्छा कन्वर्सेशन था लाइव का. थैंक यू सुषमा जी थैंक फॉर यू, ज्वाइनिंग. थैंक यू, टेक केयर थैंक यू. सुषमा जी के लिए कमेंट्स में गाइस सभी लोग हर्ट्स भेजना जो भी हमारा लाइव सुन रहे थे. प्लीज, कितना प्यारा बोली श्वेता जी एंड सुषमा जी, बहुत ही अच्छा लाइव था गाइस. जो भी हमारा लाइव कंप्लीट सुने हैं, ये वाला कितना प्यारा लाइव था सिडनास फैंस के साथ. अच्छा लगता है न्यू सिडनास फैंस जब लाइव में जुड़ते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, कितना प्यारा लाइव था. जो भी हमारा लाइव सुन रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, प्लीज अपनी फीलिंग जरूर लिखना इस लाइव को सुनने के बाद, इट्स रिक्वेस्ट. ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा दिन में लाइव भी करने की. देखना यार दिन में कितने अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों ने देखा खुद ही दिन के लाइव में इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं हमारे लाइव के साथ. करेक्ट, प्लीज गाइस आप भी जुड़े हमारे लाइव में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार. जो भी लाइव सुन रहे हैं जरूर जुड़े हैं हमारे साथ, सबको अलाउ है हमारे लाइव में आने का. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज बाय.